डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम क्लास बायवेल्विया की रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे ज़्यादातर बायवेल्व जो हैं डायोशियस है डायोशियस का मतलब है मेल और फीमेल एनिमल्स जो हैं वो एक ही एनिमल्स के अंदर मेल और फीमेल मौजूद होंगे कुछ जो हैं मोनेशियस भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि प्रोटेंड्रिक होंगे गोनेड्स जो हैं दे आर प्रजेंट इन साइड द विजरल मास जहाँ पे दे आर सराउंडड बाय लूप्ड इंटस्टाइन और गोनेड्स के साथ डक्ट्स होंगी डक्ट्स जो हैं तो दे ओपन डायरेक्टली इन टू द मैंटल कैटी और थ्रू द नेफ्रीडियोपोर टू द मैंटल कैविटी ज़्यादातर बाईव जो हैं दे विल शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन गैमिट्स दे विल एग्जिट द बॉडी through the सुप्रा chamber of the द cavity and the द opening. फिर development का प्रोसेस होगा development के लिए इसमें जो larva है that is called trocophore larva और वेलीगर लारवा वेलीगर् लार्वा इट इज फ्री स्विमिंग बट आफ्टर सम टाइम ये अपने आप को किसी भी प्लेस पर सेटल कर लेगा सेटल करने के बाद आफ्टर फ्यू टाइम दिस विल कन्वर्ट इन टू एन अडल्ट बाइबाल मुल ज़्यादातर फ्रेश वाटर बाई वाल्व दे ब्रूड यंग फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस इन द मेंटल कैविटी बाय स्पर्म जो कि बॉडी के अंदर एंटर होंगे थ्रू द इन करेंट वाटर इसी तरह से सम ब्रूड जो हैं सम ब्रूड देयर यंग इन गिल्स थ्रू द रिड्यूस्ड ट्रोकोफोर एंड वेलीडर लार्वल स्टेजेस अब यंग काम्स जो हैं

अब ये लार्वे जो है इसके भी टू टाइनी वॉल्व होंगे कुछ स्पीशीज़ जो हैं जो कि ये पैरासाइट है तो उसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी होंगे जो कि होस्ट को अटैचमेंट में यूज़ करेंगे और उनको हम कहेंगे हुक्स लार्वा विल एग्जिट द बॉडी थ्रू द एक्सेलेंट साइफन एंड सिंक टू द सबस्ट्रेट इसकी डाइट जो है अगर ये फिश पे चला जाए तो ये फ़िश के गिल्स में चला जाएगा और जब बहुत ज़्यादा ये लार्वे फिश की बॉडी को अटैक करेंगे तो उसके गिल्स जो हैं दे आर डार्कन इन कलर काले रंग के होना शुरू हो जाएंगे और उनके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशेंसी हो जाएगी तो फिश जो है जब ये फिश की बॉडी में जाएगा नॉर्मली फ़िश फॉर्मर सिस्ट अराउंड दिस लार्वा और मेंटल ऑफ सम फ्रेश वॉर बाइव हैव अलेबोरेट मॉडिफिकेशंस और जब फिर फिश वेन अ फिश अटेम्प टू तो फीड ऑन द लर द बाइवल एजेक्ट्स ग्लोकीडियम लारवा ऑन टू द फिश और आफ्टर सेवरल वीक फिर इसके अंदर लार्वे की डवेलपमेंट होगी डिवेलपमेंट के बाद इसमें अडल्ट स्ट्रक्चर बनेंगे और दिस विल नाउ शो इट्स फिल्टर फीडिंग मोड ऑफ लाइफ फिर ग्लोकीडियम जो है दिस इज़ डिसपर्सल स्टेज पर आ जाएगा सिडेंट्री एनिमल है और यूजली इस स्टेज पे दिस इज़ हार्मलैस टू द फिश दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ग्लोकीडियम लारवा लारवे के अंदर फुट मौजूद है माउथ मौजूद है वीलम मौजूद है फिर इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड मौजूद हैं एन एस मौजूद है स्टमक है दिस लारवा विल अल्टीमेटली डवेलप इन टू एन अडल्ट बाई वेल तो ग्लोकीडियम लार्वा इज़ द ओनली लारवा That is normally seen in case of class bivalvia.